यस बी, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी क्वाइल को, क्वाइल क्या होती है, वायर को ही बोलते हैं, एक खास शेप में बनाया गया होगा, ठीक है। एक क्वाइल को कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जब उससे करंट पास करवाया जाए, क्या उस पर टॉर्क लगेगा, लगे नहीं लगेगा। टॉर्क क्या होता है वैसे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इमेजिन करो मेरे पास एक क्वाइल है भाई, इज ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऐसे, ओके, और इससे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे भी, ये उल्टा मान लें, मर्जी तुम्हारी कैसे बनो, कर लोगे। और इसको रखा गया, इसको रखा गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बीग में भी। इमेजिन कीजिएगा ये कॉपी एक वायर है, अभी करंट क्यों ऐसे मान लेते जो बुक में दे रखे, बाद में तुम दिक्कत करोगे डायरेक्शन के साथ, करंट ऐसे फ्लो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत है, बुक में से फ्लो करवा रखते हैं, ठीक है भाई। एक वायर है, क्वाइल है, क्वाइल समझते हो, फ्रेम मान लीजिए, एक फ्रेम है भाई, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इससे पहले टॉपिक करवा था आपको कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, भी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। ये देखिए अभी क्लास, ये क्वाइल ऐसे रख रखी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अभी हो जाएगा। अब इस क्वाइल को मैं मान लेता हूँ ऐसे रख रखा मैंने भी, और ये फील्ड आ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, एक केस ले रहा हूँ ऐसे, हो सकता है ऐसे क्वाइल है, यस आर नो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अभी, हो जाएगा, तो ऐसे ही करेगा यहाँ पे भी, क्यों सुनिए है, जब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे रख रखा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट आपका, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, पक्का फोर्स लगेगा अभी, क्यों लगेगा, इट बी लाइक ए वायर, इट बी लाइक ए मैग्नेट भी, मैग्नेट को किसी और के फील्ड में रख रखा है तो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये कॉइल देखिए, ये ए बी है अभी, और फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगी इसके लिए भी, फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करंट नीचे है, बाय यूजिंग फ्लेमिंग रूल्स भी, इसका फोर्स कहाँ पे होगा, आउटवर्ड भी, आउटवर्ड के लिए मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसे दिस इज एफ वन फोर्स भी, कर लोगे, इस कंडीशंस पे फोर्स कैसे लगा है, आउटवर्ड भी हो जाएगा भाई, इस पे भाई करंट कैसे फॉलो कर रहा है, ये एक्चुअली ऐसे रख रखी बार मैंने ऐसे, करंट कैसे फॉलो कर रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड भी, यस आर नो, कैसे लग रहा है फोर्स इसके लिए, डाउनवर्ड भी, आपको लगेगा कि फील्ड में रख रखा, कैसा नहीं रखा, कैसे मैंने इनिशियली ऐसे रख रखा है इसको, कर लोगे भाई, तो फोर्स कैसे लग रहा है इसका, डाउनवर्ड, इसके लिए भाई इनवर्ड होगा, चेक कर लो कैसे होगा, इनवर्ड भी हो जाएगा, इसके लिए अपवर्ड भी, चेक करो इस, अगर एफ फोर और एफ टू बराबर हो जाए तो फिर कैंसिल कर देंगे, इस पे और इस पे, इस पे लग रहा है आपकी तरफ भी, इस पे भी लग रहा है मेरी तरफ इनवर्ड, इस पे लग रहा है आउटवर्ड, यही है, तो एक क्वाइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, टॉर्क की कंडीशन आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो कंडीशन मैंने एक सिंपल ली है, जब इसको रखा गया 90 डिग्री के ऊपर भी, कर लोगे भी, जरूरी नहीं है 90 पर रखा जाए, एक पेन देना मेरे को, मान लेते हैं अभी ये क्वाइल है अभी आपका, और ये फील्ड अभी, ये फील्ड कैसे आ रहा है इसके, हर जगह पे 90 पे आ रहा है अभी, हर जगह पे कहाँ पे है, यहाँ पे 90 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 है, ये सर नो, ये क्वाइल ऐसे बना लूँ, ऊपर से देख रहा हूँ इसको, ऐसे कैसे दिखाई देगी यहाँ से आपको, ये फील्ड ऐसे 90 पे है, यहाँ पे 90 पे है, इसको घुमा दिया गया थोड़ा, क्या 90 पे है ये पार्ट, 90 पे है, बता दो, तो कुछ तो एंगल बना रहा है अभी, देखो ये वाला, क्या ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला 90 है क्या, नहीं, यानी दो फेस का एंगल 90 बन रहा है, दो का 90 नहीं बन रहा है, हम सिंपल कैसे लेकर नहीं चलेंगे, सारे 90 बना रहे हैं हम लोग,
जब 90 नहीं है एंगल्स भी, तो क्या फ्लेमिंग रूल्स लगेगा उस कंडीशंस में? तो कौन से रूल से काम चलाओगे? राइट हैंड थंब रूल से काम चलेगा उस टाइम। समझ में आई बात भाई? टेंशन तो निकालनी पड़ेगी फोर्स की भी। कर पाओगे? एक कॉइल अभी, वी हैव रेक्टेंगुलर कॉइल्स, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा कि कुछ एंगल बनाएंगे यहाँ पे? सही है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है लाइंस की फॉर्म में भी। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा पे। यहाँ पे कितना? यहाँ पे, यहाँ पे थीटा। समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? और इस कॉइल से करंट ऐसे फॉलो कर रहा है अभी। करंट का वैल्यू कितना है आई मान लें? करंट कितना है आई। अब देखो भी इस वायर के ऊपर भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा बाय यूजिंग फ्लेमिंग रूल्स, क्यों 90 बना रहा है? तो ये क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन है अभी। कर लोगे? ये किसका डायरेक्शन है? फील्ड का। करंट कैसे फॉलो कर रहा है? नीचे। तो फोर्स कैसे लग रहा होगा? आउटवर्ड। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका डायरेक्शन दिखा दूं मैं, फोर्स कैसे होगा आउटवर्ड कैसे दिखाता हूँ। दिस इज F1। इस पर चेक करो, फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो अंगूठा कहाँ जाएगा? इनवर्ड जाएगा अभी। यस और नो? इनवर्ड को दिखा दूँ ऐसे कि फोर्स ऐसे लग रहा है भाई। F3, F1, F3, 2, 4 ये होगा। इस पे भी रूल नहीं लगा सकते फ्लेमिंग रूल्स, एंड एंगल एंटी नहीं हुई, तो कैसे लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल्स। यस और नो? अपने हिसाब से बना लो रूल को। रूल नहीं है ये कि फोर्स निकाल, डायरेक्शन कैसे निकालोगे फोर्स की? बनाया है वो, कैसे बनाओगे? अंगूठे वाले तो डायरेक्शन ऑफ करंट में भी, तो उंगलियों को मोड़ो, जिस तरफ उंगलियाँ मोड़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो। यस और नो? यहाँ पे इनवर्ट नहीं है, जिस तरफ उंगलियाँ होंगी अपवर्ड, यहाँ पे नीचे की तरफ है। यस और नो? यहाँ पे फोर्स कैसे होगा? नीचे क्यों हो रहा है? यहाँ पे चेक करना इस तरफ है कि नहीं है। इस तरफ जाएंगी उंगलियाँ मेरी, इस तरफ जाएंगी, सही है कि नहीं है? और यहाँ पे इस तरफ जा रहेंगे भी। समझ में आया बात है? यस और नो? यहाँ पे फोर्स कैसे होगा? डाउनवर्ड। इनवर्ड नहीं है, क्या है? डाउनवर्ड। इट इज F2। और यहाँ पे फोर्स कैसा होगा? अपवर्ड। इट इज F4 भी। तो आपको चारों फोर्स की वैल्यू निकाल ली है अभी। समझ में आई? अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि इसको आप पहले क्या मान लो, 90 में मान लो सारी केसेस के हो, तो आपको समझ में आएगा कि एक दो के ऊपर लग रहे हैं, एक का दो के नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे, दो का एक का इनवर्ड एक का क्या लग रहा है? आउटवर्ड भी। सही है। देखिए, लेट वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉइल, वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ABCD। इसकी लेंथ ले लें, कुछ वायर की लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं। AB और CD बराबर होंगे? रेक्टेंगुलर में क्या होता है? सामने सामने बराबर होती हैं अभी। यस और नो? कुछ ले लें वैल्यू, L ले लेता हूँ इसको। और BC और AD बराबर होंगे? इसको ब्रेथ ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में आ गया अभी। सही है कि नहीं है? ये B है, ये लेंथ कितना है? L है अभी। कर लोगे? क्या लिखवा था? वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ये लिखवा था, ये लिखो। उसके बाद आर प्लेस्ड या हैविंग करंट आई भी, हैविंग करंट आई प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड भी, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है अभी। ओके, तो आपको निकालना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। मैं पहले निकालता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, फोर्स ऑन AB,
पहले ए बी पे फोर्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स क्लास? आई एल बी साइन थीटा, याद है? आई एल बी साइन थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन? भी करंट कितना फ्लो कर रहा है अभी? आई। लेंथ कितना है ए बी का? एल है ना। फील्ड कितना है? बी। एंगल कितना है इसके डिस्टेंस में? 90 डिग्री। यस सर नो? तो साइन 90 कितना हो गया? तो कितना आंसर आया? आई एल बी। डायरेक्शन दो तो, इनवर्ड है कि आउटवर्ड? अभी आउटवर्ड है। कर पाओगे डायरेक्शन को? यस सर नो? सेकंड वे, फोर्स ऑन सी बी सी, फोर्स ऑन बी सी भी, ये रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ टू भी क्लास? आई करंट सेम फ्लो कर रहा है। लेंथ कितना है बी सी का? बी सी देखो ऊपर से, बी बी फील्ड भी है। कितना एंगल बना रहा है भाई? थीटा। 90 नहीं है की बार, एनी एंगल थीटा भाई। यस सर नो? डायरेक्शन क्या दें बताइए, क्या लिखना पड़ोगे? डाउनवर्ड कैसे रहेगी? डाउनवर्ड भी। यस सर नो? फोर्स ऑन सी डी एफ थ्री इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा? एफ थ्री देखो, करंट आई है, लेंथ एल है, बी है, साइन 90 है। कितनी वैल्यू होगी भाई? एफ थ्री बराबर है आई एल बी साइन 91 हो गया। इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? कितना है? इनवर्ड भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? एफ फोर का वैल्यू कितना होगा? फोर्स ऑन डी ए या ए डी जो भी है, फोर्स ऑन डी ए। एफ फोर मान लेते हैं इसको, कितना आएगा? आई बी बी साइन थीटा, सही है। डायरेक्शन क्या लिखें? अपवर्ड वे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग रूल्स या बाय यूजिंग राइट हैंड रूल्स भी कर लोगे। फ्लेमिंग करोगे तब भी अपवर्ड आएगा इनका डायरेक्शन, इसका डाउनवर्ड आएगा। राइट हैंड करोगे तब भी आंसर आने इसके, कर लोगे? यस सर नो? अच्छा रहेगा फ्लेमिंग यूज कर लें। फ्लेमिंग के लिए क्या कंडीशन रखें कि सारी चीज़ें क्या हों? 90 पे हों भाई। फील्ड भी 90 पे हो, किसके 90 पे हो? फील्ड लेंथ के 90 पे हो। यस सर नो? उस हिसाब से निकाल के देखो आंसर सारे। फील्ड कॉपी ए है अभी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम्हें डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही अभी। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील्ड इसके 90 पे। मैं फील्ड ऐसे ही मान लेता हूँ कि आपकी तरफ फील्ड जा रहा है मेरा अभी, ऐसे है ना? फील्ड है आपकी तरफ भी, इस कंडीशंस में करंट नीचे आ रहा है। तो फील्ड ये रहा आपकी तरफ, करंट नीचे आ रहा है, मेरी तरफ है। आउटवर्ड बोल सकते हैं उसको इंटर में। ये सर नो? ऐसे रख रखा है। ये सर नो? फील्ड ऐसे है। आउटवर्ड इसके लिए भाई करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड आपकी तरफ है अभी। कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड भी। यस सर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर है अभी। इनवर्ड है। यस सर नो? इसके लिए करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड आपकी तरफ है अभी। कैसे है? अपवर्ड। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर नो? तो अब यहाँ पे देखिए, अभी चार फोर्स लग रहे हैं मेरे को, दिख रहे हैं। कौन से फोर्स बराबर हैं? एफ वन एफ थ्री बराबर हैं, एफ टू और एफ फोर भी बराबर हैं। यस सर नो? कौन से कैंसिल कर रहे हैं दूसरे को? ध्यान से देखिएगा, एफ फोर और एफ टू एक एक्सिस पे लग रहे हैं दोनों ही। ये वाले फोर्स, ये वाले इस पे लग रहे हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। लिख लीजिएगा, लिखो एफ टू एंड एफ फोर, एफ टू एंड एफ फोर आर कैंसल टू ईच अदर भी। एफ टू एंड एफ फोर आर कैंसल टू ईच अदर। समझ में आया थोड़ा बहुत? बच गए कौन?
एफ वन और एफ थ्री बराबर तो है ही वैसे भी अभी, यस और नो। यहाँ पे देखो भाई एफ वन लग रहा है आपकी तरफ भी और एफ फोर लग रहा है, एफ फोर है कि एफ थ्री है, एफ थ्री लग रहा है मेरी तरफ भी, क्या कैंसिल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या इनका एक्सिस पॉइंट सेम है अभी? एक्सिस तो ये है, इस पर लग रहे हैं। एक रोड है भाई, इसको कोई इस तरफ से खींच रहा है और एक किस तरफ से खींच रहा है, रोड क्या करेगी? घूमेगी, कैंसिल नहीं करेगी, यस और नो। तो ये फोर्स लग रहा है एफ वन और ये लग रहा है एफ थ्री, कहाँ पर लग रहे हैं? इस रोड पर लग रहे हैं, यस और नो। कौन सी रोड है ये? लेंथ एक बी है, अलग ही बी है, ये बी है भाई, समझ में आया? यानी इस साइड पर लग रहे हैं या इस साइड पर लग रहे हैं, यस और नो। तो डायग्राम एक और बनाऊँ तो कैसे बनेगा? रब करते हैं इसको, अभी नीचे वाला बी सी है या ऊपर वाला ए डी है, इसी पे तो लग रहे हैं, ये तो है लेंथ वो, यस और नो। अगर ये बी सी है भाई, बी सी ऐसा था, देखो था कि नहीं था, इस पे दो फोर्स बच गए भाई, एक फोर्स लग रहा है आउटवर्ड जो एफ वन है भाई और एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड जो F3 है। मैं लिख सकता हूँ कि F1 बराबर है F3, बराबर है कि नहीं है? yes, कुछ तो वैल्यू होगी, F मान लो उनको, yes, तो F मान लें, ये इसको F1 F1 मान लो, F2 F3 F3 मान लो, बराबर वैल्यू रखते हैं दोनों भाई, कुछ तो वैल्यू होगी, F मान लेते हैं वैल्यू उसका, यस और नो। ये लाइन जो थी BC ये फिल्म में रखी गई थी कुछ एंगल पे भी, कितना एंगल था? ये B के साथ था, तो ये एंगल कितना होगा क्लास? थीटा ही होगा, इसके पैरल खींच दी मैंने एक लाइन और, यस और नो। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन यहाँ पे ड्रा किया, इसको मैंने ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट को भी, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कौन सा, क्योंकि टॉर्क निकालना है, टॉर्क लग रहा है पक्की बात है भाई। अब टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर है भी बताओ? इस डायग्राम के हिसाब से भी कौन सी डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर है भी? बी ई है भी, ये इसके भी है 90 डिग्री पे और इसके भी क्या है 90 डिग्री पे, यस आर नो। तो सीधी सी बात, आपको बी ई निकालना है, फिर गुणा करनी है फोर्स के साथ इसको, तो क्या निकलाएगा? टॉर्क निकलाएगा भी, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस आर नो। डायग्राम बनाओ टॉर्क, इसलिए बोला टीचिंग बना आसान नहीं है अभी, अरे दुनिया पढ़ाती है फिजिक्स, बातें कौन मारता है? अब बातें मारने के लिए कंटेंट होना चाहिए आपके पास, और कंटेंट करने के पढ़ना पड़ेगा आपको या नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं टीवी देखता हूँ, मैं रिफंड देता हूँ कि कुछ ना कुछ मिले आज सुनने को टीवी में। लिखी जाइए ना, मैं खुद लिखूँगा भाई। टॉर्क क्या होता है? मैं आपको फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं रहा अभी, फिजिक्स कैसे पढ़ाती बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स मेरे को नहीं आती अभी, ये भी सच्चाई है। कर लोगे? फोर्स इंटू क्या आएगा? परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, इस ट्रायंगल से भी कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर रही आपको? फोर्स इंटू क्या लिखोगे, सी ई या बी ई? बी ई भी, तो मैं ट्रेंगल्स को यूज़ कर लेता हूँ, इन द ट्रेंगल्स बी सी ई, दिख रहा है भाई बी सी ई, क्या निकालना आपको? बी ई निकालना है भाई, यस और नो। क्या गिवन है भाई? बी सी गिवन है, क्या बन गया? कोस बना कि साइन बना? कोस बन गया भाई, यस और नो, सही है कि नहीं है? तो बी बराबर क्या आएगा? व्हाट इज बी सी? बी कोस थीटा भी, कितना वैल्यू होगा बी का? बी कोस थीटा। तो टॉर्क कितना होगा भाई? एफ का वैल्यू कितना था क्लास? एफ फोर एफ वन एंड एफ थ्री आई एल बी, यही था। और बी कितना है? बी कोस थीटा भी, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो टॉर्क कितना होगा भाई? टाउ इज इक्वल टू आई एल बी बी कोस थीटा, लिख सकता हूँ ऐसे, आई एल बी बी कोस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाइल
आई ए बी कॉस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज आंसर। वेयर ए इज एरिया, ए क्या है? एरिया किसको बोला गया है? एल इंटू बी। क्लास एनी प्रॉब्लम भाई? समझ में आया टॉपिक? आया कि नहीं आया? अब बताइए मेरे को, टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है? रब करते हैं इसको भाई, इस तरफ वाला हो गया। डायग्राम कंप्लीट हो गया। टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है? अरे बता दो, भूल भाल गई पुरानी बातें सारी। टॉर्क की जनरल हो गया फोर्स इन रोटेशनल सिस्टम भाई, फोर्स का ही रूप होता है, तो वेक्टर तो बनेगा ही। यस सर नो? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो भाई। आई तो वेक्टर नहीं है अभी, एरिया वेक्टर हो सकता है, एरिया वेक्टर ही फॉर्म में लिखा जाए तो एरिया वेक्टर हो सकता है। बी वेक्टर है ही, कॉस दिया हुआ है, कितना आंसर आएगा भाई? आई ए डॉट ए बी, अपना वेक्टर पढ़ना चाहिए। डॉट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर भी, तो वेक्टर है आंसर। तो यहाँ पर अगर कॉस आएगा तो डॉट में आएगा आंसर, डॉट तो क्या होता है? स्केलर होता है भाई, आंसर तो वेक्टर आ रहा है। तुम कुछ गलत कर रहे हो, एक्चुअल में ये आंसर यही है। अब वो कोड़ा इसमें साइन लेके आएगा भाई, कैसे लेके आएगा साइन? आपकी क्वाइल ऐसी है भाई, है ना, ये एंगल हमको दिक्कत दे रहा है थीटा, ये तो प्रॉब्लम आ रही है थीटा, ये तो है। अगर इसका एरिया वेक्टर देखूँ तो कैसे आएगा? 90 डिग्री पे देखो कैसे बनेंगे आपके पॉइंट्स पे। ये कितना है फील्ड है, कुछ एंगल बना रहा है ये वाला भाई, कुछ एंगल ये एंगल हो गया। एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा इसका? ऐसे भाई, ऐसे अरेंजमेंट होगी। यस और नो? यानी देखो भाई कैसे बनाया गया है, ये इसका एरिया वेक्टर होगा दिखाने के लिए भी। पेन किसका ये? कर लोगे भाई? कितना एंगल है पूरा भाई? ये अल्फा मान लूँ? कितना एंगल है पूरा? 90 है भाई। इज इक्वल टू थीटा प्लस एल्फा भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 90 माइनस एल्फा, पुटिंग द वैल्यूज भी। टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी, आई एल बी थोड़ी है, आई ए बी कोस 90 माइनस एल्फा भी। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन एल्फा भी। ऐसे लिखा बुक के अंदर, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन लिख दो वैसे लगा के, जरूरत नहीं है हमको कुछ कोस को साइन बदले हुए। यह सर ना, मेरा आंसर तो यही है, बुक यही आंसर यूज करेगा आगे चल के, लेकिन बताने के लिए भैया जो साइन आ सकता है, क्योंकि ये तो थीटा एंगल नहीं है, ये एरिया और बी में एंगल नहीं है भाई, ये लेंथ में है। एरिया एंगल तो कुछ और बन रहा है, इट इज अल्फा विद मैग्नेटिक फील्ड। यह सर ना, टॉपिक यहाँ पे और हो जाता है अभी आपका, इसमें केस करते हैं इसके। लिखिए व्हेन, केस फर्स्ट अभी, व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री। अगर थीटा जीरो हो, जीरो होगा तो क्या होगा टॉर्क भी? टाउ इज इक्वल टू आई ए बी कॉस जीरो भी। कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो इस कंडीशंस के अंदर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी भाई। समझ में आया कि नहीं आया? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। ये कौन सी कंडीशन है क्लास? ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मान लेते हैं बी। तो आपकी क्वाइल कैसे होनी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए? ये क्वाइल है भाई, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कैसे होनी चाहिए? ऐसे। ये फार्मूला यूज़ कर रहे हो कोस वाला आप लोग, तो याद रखिएगा इसमें ये बी एरिया ही है, एरिया वेक्टर नहीं है भाई। अल्फा तो किसमें बना था? एरिया वेक्टर में बना था, अल्फा एंगल तुम लोगों ने, एरिया है ये। यस और नो? तो एरिया कैसे होना चाहिए फील्ड के भी? ऐसे भी। समझ में आया कि नहीं आया भी? आया कि नहीं आया? इसको 90 फॉर्म डालें तो कैसे आएगा? आई ए बी साइन अल्फा था भाई, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा एरिया। ये देखो मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। मतलब क्या इस बात का कि बी और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनना चाहिए? 90। ये बी है, एरिया वेक्टर कहाँ पे है? एरिया कंडीशन तो है। यस सर नो?
दोनों अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ इसको मैं। ये एरिया हो गया, ये बी हो गया, ये क्या है इसका एरिया वेक्टर, कितना एंगल बना रहा है 90। अरे ये बोल दूँ तो ये जीरो एंगल बना रहा है, एरिया भी नॉट एरिया वेक्टर, एक ही बात है। यस सर नो, टोर की वैल्यू क्या होगी उसके डिस्टेंस में मैक्सिमम, अगर उसका एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा तो कितना टोर लगेगा उसके ऊपर, मैक्सिमम लगेगा। ये बात सही बोल रहा हूँ यस सर नो। दूसरी बात क्या ला लें, ये दो तरीके लिखने के इसके, अभी ये तरीका इन टर्म ऑफ वैक्टर फॉर्म है, अभी ये वैक्टर फॉर्म नहीं है इसका क्योंकि इसमें तो साइन आना चाहिए वैक्टर में, तो कर लोगे भाई वैक्टर में लिखोगे तो ए इज नॉट एरिया, इट इज एरिया वैक्टर में, कर पाओगे क्लास? अरे बता दो, कन्फ्यूज हो पड़े हो कह रहा है। सेकेंड केस भी क्लास, केस टू, वैन थीटा इज 90 डिग्री भी, अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री होगी, टॉर्क बराबर है कितना भी, कोस 90 क्या होगा जीरो, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी जीरो, मिनिमम बोल सकता हूँ इसको क्योंकि 180 में भी क्या होगा जीरो होगा, 270 में क्या होगा माइनस, कुछ होता नहीं है टॉर्क घूमेगा ही बट मैक्सिमम होगा उसमें भी, माइनस कुछ नहीं होता भाई, ऐसे घूम रहा है वैसे घूम जाएगा, कितना फर्क पड़ेगा उसमें, समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वैल्यू किसकी है, मिनिमम टॉर्क की वैल्यू है भाई, कब होगा ये टॉर्क, ये लाइन्स है भी कैसे बनाएं, ये एरिया है कैसे करूं ऐसे भी, समझ में आई बात है। दूसरा केस लें तो क्या होगा, टॉर्क बराबर है कितना आई ए बी साइन अल्फा था, बताओ भाई इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैक्स मिनिमम कब होगा जब अल्फा कितना होगा जीरो, अल्फा कितना होगा जीरो, कैसे होगा एरिया वेक्टर में और बी में कितना एंगल बनना चाहिए जीरो, ऐसे बनेगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस, ये इसको ऐसे बोलूं तो कि एरिया ऑफ फील्ड के 90 डिग्री पे हो तो भी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कर पाओगे? दिस इज टॉपिक व्हाट इज द टॉर्क ऑन द क्या था करंट कैरिंग कॉइल, हो जाएगा भाई। इसलिए करवा रहे हैं कि ये टॉपिक दो लेक्चर में पूरा नहीं होगा भाई, इसलिए कुछ अभी कराता हूँ थोड़ा बहुत और बाकी नेक्स्ट टाइम कराता हूँ, ठीक है क्लास। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर भी क्या चीज़ है भी, ये स्टार्टिंग है डिवाइस है भाई, ओके जो आपके एमीटर है वोल्ट मीटर इससे बने हुए सारे, ये काम कैसे करता है क्या काम करता है भाई, तो लिख लीजिए मूविंग कॉइल क्या है भी? लिखो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, जो क्या फाइंड आउट करता है अभी आपके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को भी, कर लोगे? सिंपल डिवाइस सिंपल करंट माप सकता है और क्या माप सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट को माप सकता है, इसका लिखिए प्रिंसिपल क्या है इसका भी, एक बार ये जरूर चेक कर लेना भी क्लास सिलेबस में है कि नहीं, चीज़ें मेरे पास सिलेबस नहीं है ना, मैं छोड़ूंगा कोई टॉपिक भी, आप अपने हिसाब से जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है अभी, ओके और कोशिश ये करेंगे एग्ज़ाम जो भी टेस्ट होंगे सिलेबस वाली चीज़ें डालने जाइए, हम सिलेबस में कटी हुई उन्होंने नहीं डालने जाइए, हो जाएगा भी? तो हर एक के पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस रिड्यूसिंग सिलेबस की, अब देखा करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अभी, लेकिन मैं काट नहीं टॉपिक नहीं काट सकते हम लोग भी क्योंकि आगे यूज़ होने वाले टॉपिक हैं सारे, ठीक है कराएंगे सारा भी, लेकिन पता होना चाहिए आपको क्या कटा हुआ है क्या नहीं कटा हुआ, जो कटा हुआ उस पर फोकस मत कीजिए ज़्यादा अभी नहीं आफ्टर दिसंबर भी, दिसंबर के बाद उन पर फोकस मत कीजिए टॉपिक्स के ऊपर जो कटे हुए, अभी तो सारा पढ़ लो, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है अभी क्लास लिख लीजिए, इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट
व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field experience a torque. इससे पहले मैंने यही प्रूव किया है, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस पर क्या लगेगा, कि टॉर्क लगेगा भी। कर लोगे? अब लिखते हैं सर कंस्ट्रक्शन भी। कंस्ट्रक्शन में देखिए भी क्या है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। मैं इस डिवाइस में मैंने काम किया हुआ भाई MSc में, तो मेरे को अच्छे से पता है डिवाइस के बारे में। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पे एक वायर बंदी होती है भाई, ये एक मिरर लगा हुआ है और ये वायर एक फ्रेम से अटैच है भाई। डायग्राम मैं एक बार मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तुम बन लेना, ठीक है। एक वायर है, ये मिरर M है, फ्रेम ABCD, इस फ्रेम को रखा गया है दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बीच में, एक नॉर्थ पोल है इसका, यहाँ पे इसका साउथ पोल है। ये बोलते हैं टोर्सन हेड, पेंच लगा होता है इस ऊपर नीचे करने के लिए इस फ्रेम को भी। यहाँ से एक वायर निकाली गई है जो यहाँ बंदी होती है, इसको बोलते हैं बैटरी T1 T2, फोर पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से एक वायर निकाली गई है और ये बंदा हुआ है इसके साथ T2 के साथ। ये क्या है, यहाँ पे वायर बंदी होंगी, एक पॉजिटिव की तरफ जा रही होगी बैटरी के, और यहाँ पे T2 है, यहाँ पे जा रही हो एक नेगेटिव की तरफ। लेवलिंग करने के लिए पेंच लगा रखे होंगे, नाम है लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं उनको, S1 S2। ये स्प्रिंग S है भी, ये एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर रखा होता है, K बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर बोलेंगे आगे चल के। इस वायर जो है, ये वायर है स्पेशल बना हुआ है फोर्स ऑफ फोर्स का भी, फोर्स ऑफ फोर्स ब्रॉन्ज वायर बोलते हैं इसको, एलोवे का बना हुआ है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऐसे, है ना, डायग्राम बनाओ।